हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास है वीवो T3X 5G और इसमें आपको अगर 5G नेटवर्क यूज करना है, 5G नेटवर्क लाने हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में बताएंगे 5G नेटवर्क सेटिंग कैसे करेंगे अपने फ़ोन के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी सिम कार्ड एंड नेटवर्क पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कौन सी सिम में 5G नेटवर्क लाने हैं आपको अपने फ़ोन के अंदर, सिम वन में या सिम टू में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अपनी सिम वन को हम सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है रोमिंग वाला, इसे आप ऑन करेंगे सबसे पहले। तो इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखो मिल जाता है यहाँ से प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इस पर जाएंगे आप। इस पर जाने के बाद आपको 2G 3G 4G 5G सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में 4G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो इसे 5G पे आप सेट करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके में 4G पे हो तो सिंपली आप इसे 5G पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर पावर अपने फ़ोन के अंदर 5G नेटवर्क आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो एक बार आपको फ्लाइट मोड लगा के ऑन ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको मिल जाती है एक्चुअली ऑटोमेटिकली नेट सेलेक्ट नेटवर्क, इस पर जाएंगे, इसे आप ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद आपके फ़ोन सर्चिंग करेगा नेटवर्क, जो भी आपके फ़ोन में नेटवर्क अवेलेबल होंगे आपके आसपास वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। और सिंपली आप उस नंबर को सेलेक्ट करके अपने फ़ोन के अंदर जो भी सिम हो आपके पास, जियो एयरटेल रिलायंस, सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट करके 5G नेटवर्क की सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।